Hi, myself Rifaqat Khan. I'm basically from Dungarpur and presently I'm working with R-Gate in Udaipur, and basically we are here in our HR department. I have completed my academics from Dungarpur, and after that I have done my graduation from Dungarpur itself, from Government College, and then I have been selected in Deepshika College of Technical Education, Jaipur, for my further studies in MBA. I have done my MBA in Marketing in HR, and later on I have joined Secura, that is an NGO. Since there, I have been in this industry, and I was working as a HR. I spent around 4 years in Secura and left that company for my career growth. And later on, I have got an opportunity to work with People Strong HR Services in Gurgaon. That was the company who was outsourcing the complete HR shared services to its clients. I spent over 1.5 years over there, and I learned a lot. And since last 5 years, I'm working with R-Gate, and it's such a good journey with R-Gate in last 5 years. And I have learned a lot. If I'm talking about all the hard times which I have faced in my career or in my lifetime, I would like to say about my mother. She's a role model in my life. उन्होंने start से लेके और आज तक जाने कितने ही जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे. उन सारे ही उतार चढ़ाव से उन्होंने हमारी जिस तरीके से परवरिश करी, that is like that thing that she has taught us that how to live life in that such conditions which are not favorable to us, and even we can win the loses battle if we just faith in God and ourselves. There are n number of things or n number of times चीज़ें ऐसी होती हैं जब शायद हम टूट जाते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें तोड़ देती हैं. उस वक्त हमें अपना मनोबल, अपना जितना भी है उसको उस तरीके से मजबूत रखना होता है कि आज अगर हम हैं तो हमसे जुड़े हुए और भी बहुत सारे लोग हैं. आज अगर हम टूट जाए तो शायद हमारे से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो भी टूट जाते हैं. सो वी हैव टू बी ऑन दैट स्ट्रेंथन पार्ट, क्योंकि वी आर अ फेस ऑफ आर फैमिली. सो जितने भी उतार चढ़ाव हैं, उन उतार चढ़ाव के साथ ही हमें ज़िंदगी जीना है, और इसी का नाम ज़िंदगी है. आज अगर कोई भी न्यूकमर इस इंडस्ट्री में अगर आना चाहता है, इन दिस एचआर इंडस्ट्री, तो जो मेरा अनुभव है सिंस लास्ट 10 ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज हमारा एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से है, हर स्टूडेंट का जो लेवल है वो एक नहीं होता. कुछ होते हैं जो शायद हिंदी मीडियम से होंगे, कुछ कॉन्वेंट, कुछ इंग्लिश मीडियम, कुछ का फ्लुएंसी लेवल बहुत अच्छा होता है. लेकिन जितने भी हमारे हिंदी मीडियम से पास आउट स्टूडेंट्स हैं, वो कभी भी डिमोडलाइज नहीं होना कि एचआर मतलब इंग्लिश बहुत मस्त होती है. डेफिनेटली मस्त होती है, लेकिन हर कोई पहले से नहीं सीखता, वक्त सारी चीज़ें सिखा देता है. आगे बढ़िए, अपना स्किल सेट बढ़ाइए, साथ ही साथ आपके अंदर एक क्वालिटी डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा, लीडरशिप. अगर आप में लीडरशिप है तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट द एचआर इंडस्ट्री, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, लीडरशिप आपकी ज़िंदगी में एक अहम भूमिका ज़रूर निभाएगी. कितनी ही बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी के किसी मुकाम पर आने के बाद हम सोचते हैं कि काश कोई ऐसी टाइम मशीन होती जिसमें वक्त का पहिया वापस से घुमाया जाता और हम कुछ वक्त पहले चले जाते, ताकि हम ज़िंदगी की राहों को कहीं और मोड़ के चलते. मैं अगर अपने बारे में बात करूं, अगर उसी तरीके से कोई टाइम मशीन होती तो डेफिनेटली मैं शायद एचआर इंडस्ट्री में नहीं होता. उस वक्त अगर मैं सोचता कि उस टाइम मशीन के साथ क्या किया जाए, तो मैं आज से कुछ साल पहले चला जाता जहाँ से मेरी एजुकेशन लेवल स्टार्ट हुआ था, और वहाँ से मैं एक नई राह चुनता जिसमें मैं आगे चल के एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनता, एंड उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ शायद मैं कहीं और होता. लेकिन वही चीज़ है, एक बार वक्त गुजरता है तो वो दोबारा नहीं आता. इसलिए जिस वक्त के साथ जी रहे हो, उस वक्त को परफेक्ट तरीके से यूटिलाइज़ करें, ताकि ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा मौका या ऐसी सोच ना आए कि मुझे वक्त के पहिए के साथ दोबारा पीछे जाके कुछ बदलने का मौका मिले. ज़िंदगी के इस पड़ाव में आने के बाद, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई चाइल्डहुड मेमोरीज, मैं हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं है, अगर मैं एक एक करके बताना चाहूँ तो शायद कई सारे अलग अलग मुकाम या इस तरीके से जाने कितने ही एपिसोड बन जाएंगे अपनी ज़िंदगी की सारी मेमोरीज बताते बताते. लेकिन मैं ज़िंदगी के 3 पड़ाव के बारे में और 3 मेमोरीज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. सबसे पहली मेमोरी, व्हेन आई वाज इन आई थिंक
एच के जी और एल के जी जब डिवाइड करने का जो एक प्रोसेस होता है वो मेरे पिताजी मुझे छत पे बैठ के सिखा रहे थे, और उसी दिन मेरा एग्ज़ाम था तो पिताजी ने मुझे बताया था कि बेटा पहले ऐसे करना है फिर ऐसे करना है। सो ही हैव टॉट मी कि भाई आपको ये प्रोसेस इस तरीके से करना है। तो जहाँ पे हमें मेंशन करना होता है उसके बाद लाइन खींचनी होती है। अब पिताजी ने हमें दो बार समझाया, तीन बार समझाया, चौथी बार हमें कहा कि बेटा अब इसको आप कीजिए, आप अगर करेंगे तभी सारी चीज़ें सीखेंगे। पहली बार गलती करी, लाइन नीचे की बजाय ऊपर खींच दी। दूसरी बार गलती करी, नीचे की बजाय ऊपर कर दी। तीसरी बार जैसे ही गलती करी तो ज़ोर से एक चमाट पड़ा था उस दिन, लेकिन वो दिन का दिन और आज का दिन डिवाइड करने का जो रूल तब से याद किया था आज तक नहीं भूले। और भैया हमारे पिताजी ने कहा था कि बेटा तुम अगर एक बार सीख जाओगे तो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलोगे। दिस वॉज माई फर्स्ट चाइल्डहुड मेमोरी जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो भी इसलिए कि अगर बचपन में आपने किसी चीज़ को सीखा है और उस शिद्दत के साथ सीखा है तो आप पूरी ज़िंदगी बिता देंगे लेकिन आप उसे कभी भूल ना पाएंगे। दूसरी चाइल्डहुड मेमोरी, जब मैं अगर बात करता हूँ, व्हेन आई वाज इन 11th क्लास, हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, 11th क्लास में थे तो बड़े शैतानी किया करते थे। लंच ब्रेक में स्कूल के पीछे जहाँ पे गवर्नमेंट लाइब्रेरी हुआ करती है वहाँ पे एक अमरूद का बहुत बड़ा पेड़ था, और अमरूद तोड़ने के लिए उसके पास में एक और पेड़ था, पेड़ का नाम तो मुझे आज ध्यान नहीं है। हमारा कुछ 20-25 लोगों का ग्रुप डेली उन पेड़ों पे चढ़ा करता था सिर्फ वो अमरूद खाने के लिए। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कुछ महीने, दो महीने बीते होंगे, पेड़ की जड़ें इतनी कमज़ोर हो गई कि एक दिन हम सारे 12-15 जो लोग थे वो पेड़ के साथ ज़मीन में आ गिरे थे। और उस दिन से हमने एक चीज़ कसम खाई थी कि भाई ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। सो दैट वॉज ऑल्सो माई बेस्ट मेमरी। एंड उसके बाद द लास्ट सिर्फ इस एपिसोड के लिए वॉज दैट जब हम MBA कर रहे थे तो हर कॉलेज के पास एक पंडित जी की थड़ी होती है जो बड़ी मज़ेदार चाय बनाते हैं, और चाय के हम लोग बड़े शौकीन हैं। डेली कॉलेज का एक रूटीन हुआ करता था कि भाई रोजाना जाएंगे सवेरे, वहाँ पे चाय और कचौड़ी का नाश्ता होगा। लेकिन वो नाश्ता इतना बेहतरीन होता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पंडित जी का टेस्ट हुआ करता था वहाँ पे, या पंडित जी का हाथों का टेस्ट था, वो मज़ा इसलिए था क्योंकि जो चार दोस्त और चाय जब मिल जाती है तो वक्त कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। कॉलेज स्टार्ट हुआ था, महीना, दो महीना, तीन महीने बीते, जाते तो कॉलेज थे लेकिन रह जाते थे हम लोग थड़ी पे। और कुछ तीन महीने के बाद एक बार कुछ असाइनमेंट के पर्पज़ से जब हम अंदर गए थे HOD से मिलने के लिए, तो HOD ने इंट्रोड्यूस कराया था, ये है हमारे कॉलेज के होनहार स्टूडेंट्स जो आ तो जाते हैं रोज़ाना कॉलेज टाइम पे, लेकिन सिर्फ बाहर चाय पीने के लिए, पढ़ाई करने के लिए नहीं आते। तो इस तरीके से न जाने कितने ही हमारी मेमोरीज हैं जो हैं चलती रहती है और इंशाल्लाह चलती रहेगी आगे आगे। लेकिन अब इस एपिसोड में तो मैं इतना ही शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। इन टुडे सिनेरियो, आज मैं किसी की भी बात करता हूँ, इफ़ कोई भी एक नया स्टूडेंट जो अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई के साथ चल रहा है, दोस्त हो आर इन देयर ट्रेनिंग, वो हमेशा सीनियर से एक चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, वेदर द एजुकेशन और द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। आई वुड से कि कोई भी इमारत तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक कि उसकी नींव, फाउंडेशन मजबूत ना हो। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर कंप्लीट प्रोफेशनल प्रोफाइल और करियर आस्पेक्ट और करियर ग्रोथ, वहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आई वुड सजेस्ट हमारी जो कंप्लीट एजुकेशन है दैट इज़ द फाउंडेशन, दैट इज़ आर नींव, जो शायद दुनिया को नहीं दिखती लेकिन उस नींव के ऊपर जो इमारत, जो हमारा करियर प्रोफाइल है, जो हमारा प्रोफेशन है, जब हम वो लोगों को दिखाते हैं तब पता चलता है कि जितनी नींव मजबूत होगी उतनी ही इमारत मजबूत होगी। वी कैन नॉट से कि हमारा करियर अलग होता है या हमारी एजुकेशन अलग होती है, कोरिलेट नहीं करते। डेफिनेटली आज हम कुछ भी अगर करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी फाउंडेशन से लिंक्ड होता है। सो दिस इज माई थॉट कि दोनों चीज़ें उतनी ही ज़रूरी हैं लेकिन नींव को मजबूत करना ज़्यादा ज़रूरी है। आज इस भागती हुई दुनिया में, भागते हुए वक्त में, हर इंसान चाहता है कि किस तरीके से हम अपने टाइम को स्पेंड करें, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का काफ़ी अधिकतर वक्त जो है वो शायद उसके प्रोफेशनल करियर में गुजर जाता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हम लोग जब ऑफिस के लिए निकलते हैं कब शाम हो जाती है पता नहीं चलता। अब क्योंकि पूरा दिन ऑफिस में हो चुका है, शाम का वक्त हमने अपने परिवार को दे दिया लेकिन हमारे खुद के लिए हमारे पास वक्त बहुत कम बचता है। So if I'm talking about my fun activities, तो it is like I say कि एक हमारा वो वाला वक्त होता है जब शायद हम अपने आप के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं,
इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरे लिए वो वक्त उस तरीके से होता है कि मैं अपने खास दोस्तों के साथ या तो बाइक राइड पे बहुत स्लोली 20, 22, 25 की स्पीड के ऊपर शहर का धीरे धीरे चक्कर लगा ले, या फिर अपने दोस्तों के साथ चाय की थड़ी पे बैठ के और चाय की चुस्कियाँ लेते रहें, उसमें एक अलग मज़ा है। कहीं कुछ नहीं होता, उसके बाद शांति से किसी एकांत जगह में बैठ के और संगीत सुनना, उनसे अच्छा कोई वक्त नहीं होता इंसान को अपने साथ बिताने के लिए। आफ्टर स्पेंडिंग दिस मच ऑफ ईयर्स एंड दिस एचआर इंडस्ट्री, मैनी पीपल्स आस्क मी दैट व्हाट ऑल क्वालिटीज एचआर मैनेजर्स डू हैव। सो देर आर ए नंबर ऑफ क्वालिटीज, क्वालिटीज आज गिनाना अगर शुरू करें तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा, क्योंकि जितनी क्वालिटीज होगी उतना कम ही लगेगा। बट द मेजर क्वालिटीज वॉट आई वुड से इज लाइक, ही शुड बी अ गुड लीडर, ही शुड बी अ टीम वर्कर, ही शुड बी अ गुड लिसनर, ही शुड हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैव दैट मच ऑफ केपेबिलिटीज टू डू मल्टी टास्किंग इन वन टाइम, दैट इज द मेन थिंग ही मस्ट पजेस इन हिमसेल्फ। आप सभी ने इतना वक्त देके जो मेरी कहानी सुनी है उसके लिए दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो, आई वुड रियली सजेस्ट टू लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो मी ऑन वर्कमॉब। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरी ज़िंदगी के लिए ही है, हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो शेयर करना चाहता है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपके पास भी अगर ऐसी कुछ कहानी है तो आप यहाँ वर्कमॉब पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।